सितारों से आगे जहां और भी है अब इश्क के इम्तिहान और भी है। अच्छा उस शेर की वजह ये थी कि आज मुझे किसी दोस्त का फोन आया कि नहीं भाई यार पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी के साथ, FSC कर चुका हूँ, अब घर वाले कह रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लो नहीं तो आर्ट्स में जाके बिजनेस कॉमर्स कुछ पढ़ लो। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं मीडिया प्रोडक्शंस पढ़ना चाहता हूँ लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। क्यों? कहते हैं कि घर वालों का है कि स्कोप ही यानी तीन फील्ड का है, बाकी के किसी और फील्ड का स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह जनरल बातें जो अक्सर हम अपने पेरेंट्स से सुनते रहते हैं। मैंने कहा भाई तुम उनको समझाओ कि अल्लामा इकबाल ये शेर कह के कब के गुजर चुके हैं, 19वीं सदी 20वीं सदी में उन्होंने कहा होगा, और अगर फिर भी नहीं मानते तो उनको कहो कि और भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पाकिस्तान में कुछ बने, मतलब जो फील्ड हैं आजकल वैसे पाकिस्तान में हर चीज़ का स्कोप है लेकिन ढूंढने की ज़रूरत होती है और ढूंढना हम में से किसी से होता नहीं है। क्यों? नहीं भाई पता नहीं इस फील्ड में क्या होगा, वो होगा ये होगा। अबे छोड़ो भाई तुम करने तो दो उसको, हो सकता है इसी फील्ड में वो पायनियर बन के निकल जाए। अल्लामा इकबाल ने भी ना फिलासफी में एग्ज़ाम दिया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कुछ नहीं थी लेकिन वो फर्स्ट आ गया, किसी को वाइस बन जाता उस टाइम जिसने फिलासफी में एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट आ गया, मतलब पास हो गया था वो, हार्ड समझी जाती थी उस टाइम। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपका बच्चा जो कुछ भी करना चाहता है ना प्लीज़ उसे एक मरतबा करने तो दो, बनस्पत इसके बेहतर है कि वो अपनी फील्ड में कुछ जिस फील्ड में आप उसको बनाना चाह रहे हो उसमें कुछ बन जाए लेकिन उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से वो इस फील्ड में परफॉर्म करे जिसमें वो खुद करना चाहता है। ले सपोज जैसे मेरे दोस्त मीडिया प्रोडक्शंस में अपना कुछ करना चाहता है, उसको करने दो, यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में पढ़ाई होती है तो उनको करने दो, तुम्हें क्या मसला है यार, एक मतलब उसे करने दो, हो सकता है उसी में अपना एक नाम करके, और कुछ वक्त ऐसा आ जाए जब आप कहेंगे कि ये मेरा बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही कि उसे करने दो, हो सकता है, खैर इतनी सी बात थी है आज के लिए, एंड अल्लाह हाफिज़।